हेलो गाइस, सबसे पहले हमने ये एक एम के आर के गुलाब जामुन का मिक्स वेल ले लिया। इसके बाद हमने इसको डाल लेंगे इसमें, और इस एक पैकेट के लिए हमें चाहिएगा इसके ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/4 ग्लास ऑफ वाटर। हमने इसको पहले इसमें डाल लेंगे और धीरे धीरे ऊपर से पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जब हमारा आटा जो बन जाएगा, ऐसे जैसे हम आटा लगाते हैं ऐसे कि इसके जैसा बना के ना 5 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करवाएंगे। 5 मिनट रेस्ट के होने के बाद में हम इसको अपने हाथों पे घी लगाएंगे। घी और ऑयल लगाने के बाद हम हाथों पे बिल्कुल ऐसे लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे इसको डिवाइड करेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे मसलते हुए लंबी लंबी लोई जैसे बना के उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ऐसी बॉल्स हम बनाएंगे। सभी इस एक मिक्स में लगभग आपको 18 से 20 बॉल्स बन जाएंगी। तो अब हम एक बार के लिए इसमें बॉल्स बना लेते हैं। पहले अभी हमने बॉल्स बना लिए उस एमटीआर के सॉल्यूशन एमटीआर मिक्स के, तो ये लगभग हमारे पास 28 से 30 बन के तैयार हुए, क्योंकि हमने थोड़े छोटे बनाए हैं। अगर आप बड़े साइज के बनाते तो ये लगभग आपको 18 से 20 बॉल्स बनेंगे एक में। और उसके बाद हमने ये किया है, एक साइड में हमने ऑयल गरम कर लिया, गरम होने के लिए रखा हुआ है गैस पे, और दूसरी साइड हम शुगर सिरप बना रहे हैं। जैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें, अब हमारा ऑयल गरम होकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इन बॉल्स को मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम एक एक बॉल्स ऐसे छोड़ देंगे इसमें, इसको तब तक हल्का ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इनको पकाएंगे। और साइड में हमने उधर चाशनी बना के रखी हुई है, उसमें हमने 2 गिलास पानी की और 2 ही गिलास शुगर के लिए है। जैसे ही इनका कलर ऐसा ब्राउन हो जाएगा हम इनको निकाल लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको दूसरे किसी बर्तन में रखेंगे। उसके बाद हम गरम चाशनी में इनको छोड़ देंगे। ऐसे हम 2-3 बार भी करके इसको धीरे धीरे सब पका लेंगे। एक बार इनको फ्राई कर लेंगे हम, उसके बाद 1 मिनट के लिए हम इनको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको गर्म चाशनी में डुबो के रखेंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। के बाद बहुत ही सुनहरे कलर के हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। बस अभी इनको क्या करना है, हमें इसको गर्म चाशनी हमारे पास रेडी है, अभी इनको हम धीरे धीरे इसमें गर्म चाशनी में छोड़ देंगे स्लोली स्लोली। उसके बाद ये शुगर सिरप इसके अंदर फिल हो जाएगा और 20 मिनट में हमारे गुलाब जामुन तैयार है। उसके बाद हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनेंगे ये। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही कम समय में ये गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं।